आज कार्यक्रम जो रखा गया क्या उद्देश्य था, कहाँ कहाँ से जो है यहाँ पर लोग उपस्थित हुए, आपके सीक्रेट कैसे बैठे हैं, क्या बताऊँ। राष्ट्रीय बौद्ध धम्म शिखर सम्मेलन लेने का मेरा उद्देश्य था कि बुद्ध धम्म की जो क्रांति है और उसकी दशा और दिशा, इस विषय पर हमारी चर्चा होनी है कि आज जो वर्तमान स्थिति में बौद्ध धम्म की जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे लोगों में मतभेद आ रहे हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहता था। और ये कार्यक्रम के माध्यम से ये भी बताना था कि हमें अपने बौद्ध धम्म को जिंदा रखने के लिए परस्पर ऐसे कार्यक्रम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बौद्ध धम्म को आगे बढ़ाने हेतु हमने प्रयत्न किया है और बौद्ध विश्व हर साल अपनी मेहनत करके बौद्ध धम्म को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको शिखर तक ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अत्ता हिताय, धम्म आदि कल्याण, मध्य कल्याण, परस्य कल्याण, पका सेतंग भिक्षु ब्रह्मचर्य, पका सेतंग धम्म परिसुन्न, यानी तथागत द्वारा बताया गया है वो जो बुद्ध धम्म है वो लोगों के हित में, लोगों के सुख में है। और यही कार्य भिक्षु संघ को आदेश दिया था भगवान ने कि भिक्षु आपको मेरा जो धम्म है लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ाना है, और लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ाते हुए लोगों के अंदर में से जो राग की भावना है, द्वेष की भावना है, उसे दूर करने का प्रयत्न करना है, साथ ही साथ विश्व को शांति का संदेश भी देना है, जिससे कि एक देश दूसरे देश के प्रति सहानुभूति व्यक्त करे। और लोक कल्याण के लिए भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है वो विज्ञानवादी धम्म लोगों तक पहुंचे, अच्छी जानकारी पहुंचे। साथ में मैंने बनते आनंद माहेश्वर तथा भदंत आनंद माहेश्वर के साथ साथ बनते नागार्जुन सुरेश असाई जी जो कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, तो आकर के चले गए, उनको गलत फहमी होगी पता नहीं, परंतु मुझे इस बात का थोड़ा सा खेद है कि जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइजर रहता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि वो व्यक्ति मेहनत करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है, परंतु उसको अगर कोई पर्सनली अगर सपोर्ट ना मिले तो बहुत दुखी और नाराज होता है। अरे कोई व्यक्ति को बुलाया तो वो इस प्रकार से बनते आनंद जी ने मेरे को बहुत बड़ा सहयोग दिया, और मैं जो बनते जी चले गए आनंद सुरेश सफाई बनते जी, उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ, बनते जी हमसे क्या गलती होगी ये तो बताओ, क्यों आप कार्यक्रम में नहीं आए, ये पूछूंगा मैं उनको जाके। साथ में मेरे को सहयोग देने वाले सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है माननीय भगवान जी नितनौरे साहब, और दूसरे हैं आदरणीय चेतन जी एडवोकेट बर्वे साहब, और कुंदा मोट गरे जी, और अन्य सभी उपासक उपासिकाएं, और बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी, संत सैनिक दल, भिक्षु महासंघ यानी अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के चेयरमैन बैठे हैं यहाँ पर बनते आनंद महास्थवे, ये सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और इस कार्यक्रम को मैंने आगे बढ़ाया। मेरा ये उद्देश्य था कि लोग एक दूसरे को, एक दूसरे के प्रति मैत्री की भावना करें और लोगों से एक दूसरे के प्रति धम्म की संवाद करें, यही मेरा उद्देश्य था कार्यक्रम का। ये राष्ट्रीय बौद्ध धम्म शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन केसीएस लामा ने किया। काफी अरसे के बाद मैं इस कामठी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया। यहाँ के श्री भगवान नितनौरे को बहुत दिन से मैं जानता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं एक बात से बहुत खुश हो रहा था कि भलते सुरेश ससाई और मेरे बीच काफी लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई, वार्तालाप नहीं हुआ। इस कार्यक्रम से मुझे ऐसा लगा कि भलते सुरेश ससाई का आगमन होगा, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम है, मैं इसका चीफ गेस्ट हूँ। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जब उनको मालूम था, उनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम था, एसीएस लामा ने उनको पूछ के रखा था और पूरी मेहनत के साथ इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया, इसमें कुछ बंदे आए जो पूजा करने के बाद में वो भी प्रस्थान कर गए। मैं इसलिए एक बात ये कहना चाहता हूँ, बौद्ध भिक्षुओं में परस्पर राग द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध का दर्शन विषमता को मिटाकर समता का मार्ग दिखाता है। भिक्षु को परस्पर एक भिक्षु के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय जब राज जो है शिखर धम्म सम्मेलन है, धम्म सम्मेलन शिखर,
या धम्म की चर्चा होती, लोगों का मार्गदर्शन होता, बुद्ध का दर्शन क्या कहता है, वो लोगों को क्या संदेश देता है। इस समय भारत की धरती पर जहां यानी सांप्रदायिक उन्माद, धार्मिक उन्माद इतनी बुरी तरीके से जहर का रूप धारण कर चुका है कि आदमी आदमी का दुश्मन होता हुआ नजर आ रहा है, इस हालात में अगर हमारे देश का समस्त बौद्ध भिक्षु एक मंच पर आकर के अपने आप की विषमता को मिटा करके, राग द्वेष को मिटा करके इस अखंड भारत को करने में अपनी भूमिका निभाए, तो केसीएस जैसे तरुण लामा जिन्होंने सशक्ति से रात दिन एक करके इस कार्यक्रम को किया जिससे इसको सफलता मिले और उसका मन प्रसन्न हो आगे और अच्छा कार्यक्रम करने के लिए। इसलिए जिन लोगों ने या आने के बाद प्रस्थान किया या जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम नहीं हुआ उनका या नहीं आना मुझे प्रतीत होता है या तो उनको कोई गलतफहमी हो गई या वो अहंकार की आग में जल रहे हैं जो एक भिक्षु के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं भगवान नित्यनवरे या बुद्धिस्ट सिल्वर सोसाइटी का कार्याध्यक्ष हूँ और बुद्धिस्ट सिल्वर सोसाइटी के अंतर्गत हमने ये बुद्ध विहार कन्हान में बनाया है। बहुत बड़ा विहार हमने यहाँ पे किया है, पारसिन तालुका में सबसे बड़ा एक विहार है। हमारे धर्मगुरु बनते सुरेश ससाई जी हमारे अध्यक्ष है और यहाँ के निवासी बनते केसीएस लामा जी है। केसीएस लामा जी और हमने मिलकर यहाँ पे एक यह बौद्ध शिखर सम्मेलन लिया है और लोगों को यही बताने के लिए और लोगों को यानी बुद्ध धर्म के बारे में और बुद्ध धर्म क्या है, भगवान बुद्ध ने कौन से विचार अपने को दिए है, डॉक्टर उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमको क्या क्या मार्गदर्शन किया, संविधान के माध्यम से हमको कौन से अधिकार मिले, इस उपलक्ष्य में हम आज के सम्मेलन में एक मार्गदर्शन करने वाले है। और हमारे धम्म गुरु जो है उन्होंने आज अच्छा अनेक यहाँ पे कार्यक्रम हमारे बोलने पे उन्होंने आए और यहाँ पे मार्गदर्शन करने वाले है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि यह सम्मेलन के माध्यम से लोगों में जागृति हो, बौद्ध धर्म एक शांति का धर्म है, एक भगवान बुद्ध के विचार है, बौद्ध शांति और अहिंसा का मार्ग हम देना चाहते हैं और इस सम्मेलन के माध्यम से हम जन जागृति करना चाहते हैं कि लोगों में थोड़ी सी जागृति आए और धर्म के प्रति अच्छा यानी अपना विचार रखे। जय भीम। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ले आइए ओमकार मोबाइल गुजरी बाजार चौक कांटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।